इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और माता सीता मंदिर की ओर जाने लगे। जैसे ही उनके चरणों की धूल अयोध्या की भूमि पर पड़ी, त्रेता युग का अंतिम काल आज से 2 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ था। देवतागण स्वर्ग में लौट आए हैं और वहां बैठे हनुमान जी अपने प्रभु श्री रामचंद्र से बातें कर रहे हैं। प्रभु, अभी तक मैंने आपको अपने हृदय में स्थापन करके रखा हूँ। मैं एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं रह सकता। इस युग में आपकी जन्मभूमि अयोध्या में आपके लिए एक मंदिर बनाया गया है। प्रभु, क्या आप वहाँ जाना चाहते हैं? हाँ वत्स, मुझे तो जाना ही होगा। मेरे करोड़ों भक्त मेरे दर्शन, मेरे आशीर्वाद पाने के लिए अपेक्षा कर रहे हैं। प्रभु, तब मैं आपको और नहीं रोकूंगा। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। आइए प्रभु, मैं खुद अपने कंधों से आपको मंदिर तक पहुंचा देते हैं। उधर जब माता सीता स्वर्ग के बगीचे में फूल चुनने में व्यस्त थी, तब श्री लक्ष्मण उनके पास आके बोले, माता सीता, क्या आपने सुना है मर्त्यलोक में हमारे लिए मंदिर बनाया गया है? हाँ, मैंने सुनी है भ्राता लक्ष्मण, परंतु मैंने ये भी सुनी है कि प्रभु से वो दूर कैसे रहेंगे, इस बात को लेकर वो बहुत बेचैन हैं। हाँ माता सीता, आपने एकदम सही कहा है। हम सभी कल ही अयोध्या के लिए रवाना होंगे, आप प्रस्तुत रहना। इतना कहकर श्री लक्ष्मण वहां से चले गए और अगले दिन हनुमान श्री रामचंद्र को अपने कंधों पर बिठाकर स्वर्ग से अयोध्या की यात्रा शुरू करते हैं। उनके साथ लक्ष्मण और माता सीता भी हैं। उन्हें भी पक्षीराज घोड़े के रथ में बिठाकर ले जाया जा रहा है। तभी अयोध्या का मंदिर के पास वाले जंगल में सभी एक साथ प्रकट हुए। प्रभु, अभी हम आपकी जन्मभूमि अयोध्या की उस मंदिर के पास आ पहुंचे। प्रभु, मेरा हृदय आपसे दूर जाना नहीं चाह रहा है, फिर भी मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं किष्किंधा के जंगल में लौट जाता हूँ। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और माता सीता मंदिर की ओर जाने लगे। जैसे ही उनके चरणों की धूल अयोध्या की भूमि पर पड़ी, फूलों की वर्षा होने लगी और अयोध्या की भूमि धन्य हो गई, पवित्र हो गई। मंदिर के पास पहुंचते ही श्री लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राता, ये तो चमत्कार मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। इस मंदिर की निर्माण देख के मैं मुग्ध हो गया, आपको कैसा लगा? हाँ, तुमने सही कहा, अति उत्तम है ये निर्माण कार्य। आज से पूरा ब्रह्मांड इस भारत वर्ष को राम मंदिर के नाम से ही पहचानेगा। मैं मंदिर के अंदर प्रवेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। आइए प्रभु, हम सब मंदिर में प्रवेश करें। इसके बाद सब एक साथ मंदिर में प्रवेश किए। तभी श्री लक्ष्मण, माता सीता और प्रभु श्री रामचंद्र को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए अनुरोध करते हैं। भ्राता, माते सीता, अभी आप दोनों सिंहासन ग्रहण कीजिए। इसके बाद सुबह होते ही अयोध्या में राम मंदिर के सामने भक्तों का भीड़ जमने लगे। सिंगा और शंख बजने लगे, चारों ओर गूंजने लगे जय श्री राम ध्वनि। तभी शुरू हुआ मंदिर उद्घाटन प्रक्रिया। उधर किष्किंधा के जंगल में बैठे हनुमान जी, प्रभु, कल सुबह ही अयोध्या की उस मंदिर में मैं खुद आपको छोड़ के आए हैं और मैं इस जंगल में यहाँ रह के आपको देखने के लिए मेरा मन तरस रहा है। प्रभु, मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ प्रभु। ये कहते हुए हनुमान जी फिर से अयोध्या में राम मंदिर के पास पहुँचे। तब हनुमान जी ने एक गरीब बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करके मंदिर में प्रवेश करने जाते हैं, लेकिन अरे अरे, ए, ए, ये क्या
दिखाई नहीं देता? मंदिर उद्घाटन का काम चल रहा है और यहाँ तुम भिखारी की तरह गंदे कपड़े पहन के आ रहे हो। सबसे आगे मंदिर में प्रवेश करना चाहता है, तेरा हिम्मत तो कम नहीं है। तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, यहाँ कितने बड़े बड़े भक्त खड़े हैं और तू भिखारी मुंह उठा के चले आया। सोचा था मंदिर में घुस जाएगा, भग भग यहाँ से, भग भग। तो इतना कहकर उस व्यक्ति ने बेजधारी हनुमान जी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। इससे हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। फिर वो आंखों में आंसू लिए चुपचाप जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इस घटना के कुछ देर बाद ही मंदिर के उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हो गई। एक साथ मिलके मंदिर में प्रवेश करते हैं और पूजा देखने के लिए अपेक्षा करने लगे। फिर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पंडित जी को अनुरोध करते हैं, पंडित जी, आज की इस शुभ घड़ी में आप श्री प्रभु रामचंद्र जी, श्री लक्ष्मण, माता सीता की पूजा शुरू करें। तभी पंडित जी बड़ी भक्ति से प्रभु श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और माता सीता की पूजा प्रारंभ की और काफी देर तक प्रभु श्री रामचंद्र की पूजा चलती रही। इसके बाद पूजा समाप्त हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी मंदिर से बाहर आए और उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र जी की भक्तगण, आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे मंदिर में प्रवेश करके प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता की दर्शन करने के लिए। आज मंदिर उद्घाटन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। मुझे आशा है कि आप सभी भी आराम से प्रभु की दर्शन करेंगे और एक दूसरे को सहयोग करके दर्शन करने का मौका देंगे और मंदिर को भी साफ सुथरा रखेंगे। धन्यवाद मित्रों। इसके बाद मोदी जी मंदिर से अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। अचानक उसकी नजर उस चादर से ढके बूढ़े आदमी पर पड़ी। वो बूढ़ा आदमी तभी भी रोए जा रहे थे। उन्हें रोते हुए देख मोदी जी ने कहा, बाबा क्या हुआ है आपको? इस शुभ घड़ी में आप यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हैं? मुझे आपकी मन की बात निर्भय होकर बोलिए। आपको क्या बताए, मंदिर के सामने कितने बड़े बड़े इंसान हैं जो प्रभु रामचंद्र की असली भक्त होने का दावा कर रहे हैं। कदापि नहीं, प्रभु के सामने हम सभी समान हैं। आप आइए मेरे साथ, मैं खुद आपको मंदिर में प्रभु राम जी की दर्शन करवाता हूँ। इतना कहकर मोदी जी ने अनजाने से ही पवन पुत्र हनुमान जी का हाथ पकड़ लिया और उन्हें श्री रामचंद्र के दर्शन कराने के लिए मंदिर के अंदर ले गए। और जब अंदर पहुंचे तो आश्चर्यचकित होकर देखा कि उन्होंने किसके हाथ पकड़ के भगवान श्री रामचंद्र की दर्शन कराने लाए हैं। प्रभु, ये मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा है। पवन पुत्र हनुमान जी मेरे सामने खड़े हैं। हनुमान जी बिल्कुल चुप थे, सिर्फ प्रभु श्री रामचंद्र की ओर देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। और ये दृश्य देखकर श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन ही मन एक निर्णय लेते हैं, लेकिन पलक झपकते ही वो अद्भुत दृश्य अदृश्य हो गया। फिर नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर के बाहर आकर घोषणा की, देवी और सज्जनों, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पवन पुत्र हनुमान जी
श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हैं, उन्हें प्रभु से अलग रखना अन्याय है। इसीलिए प्रभु जी के पास हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापन किया जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र, श्री लक्ष्मण और माता सीता के आगमन से हमारी धरती और हमारे मानव जीवन धन्य हो गई। जय श्री राम, जय श्री लक्ष्मण, जय माता सीता। हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी और एक नए मजेदार कार्टून देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को क्लिक कीजिए और हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।